बाकी जरा इधर देखना, चल मैं यहां से ले लूं। बाकी सही मेरे लिए मायने रखती है क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ है। तो उस लॉजिक से तुम भी तो मेरे बच्चे की माँ हो, तो तुम भी मेरे लिए उतना ही मायने रखती हो ना। वक्त आने दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो और कितनी जरूरी हो। सही सही आंखें खोलो, सही सही लाती हूँ पहले। हाँ अच्छा, सबको बुलाने से पहले एक बार चेकअप कर लेती हूँ आपका। आपको पता है वीनू कितना परेशान था? और सिर्फ वीनू ही क्यों, पता है सब लोग कितने परेशान हुए? सब आपके लिए बहुत प्रार्थना कर रहे थे और सब दिल से इतनी प्रार्थना करेंगे तो पापा को तो उनकी सुननी ही थी ना। अभी आप देखना, मैं बाहर जाके सबको बताऊंगी कि आपको होश आ गया है, भगदड़ मच जाएगी, सब आपसे मिलने के लिए उतावले हो जाएंगे, सब बहुत खुश होंगे, नॉर्मल लग रहा है। और तुम? क्या क्या तुम भी खुश हो? मेरे होश में आने से, मेरे ठीक होने से क्या तुम भी खुश हो? ऑफ कोर्स खुश हूँ। आप ये कैसे सवाल पूछ रही हैं मुझसे? तुमने मुझे क्यों बचाया? सही, तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था, तुमने उस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया? तुम्हारे रास्ते का खाटा हमेशा के लिए हट जाता। जिस रास्ते की आप बात कर रही हैं, मैं उसे बहुत पहले छोड़ आई हूं। मिसेस जवान, आप मेरी पेशेंट हैं, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं आपकी डॉक्टर हूं, आपकी सेहत से ज्यादा और कुछ भी मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ आपके परिवार से किया वादा और अपनी ड्यूटी निभा रही थी। ड्यूटी? ड्यूटी फर्ज हाथ। तुम भी अपने एक्स हस्बैंड की तरह बातें करने लगी हो। देखिए, आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं। मैं आपकी फैमिली को बुला लेती हूँ। तुम ठीक ही कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या उसका जवाब तुम दे सकते? एक सवाल है जो मेरे मन में बस कब से चल रहा है, तो सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं। प्लीज
सच बोल दो, कुछ सोच लो कि अगर तुम और मैं हम दोनों उस खाई से झूलती हुई बस में होते और विराट हम में से किसी एक को ही बचा सकता। तो हम दोनों में से किसे बचाता? मुझे लगता है ये सवाल आपको अपने पति से करना चाहिए, वही इसका जवाब देंगे। प्लीज तब तक दवाई खा लीजिए। सही, पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो। ये कैसी जिद है आपकी? तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती मैं दवाई नहीं खाऊंगी। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि ये सवाल विराट के लिए है। तो जब वो आएंगे आप उनसे पूछ लीजिएगा, दवाई खा लीजिए। आपको पता है मम्मा मैं कितना डर गया था? आप ऐसे मत करना आज के बाद। और आपको पता है मैंने पापा से कितनी सारी प्रेयर्स की आपके लिए, मुझे तो लगा मैंने आपको खो दिया। मम्मा आज के बाद आप ऐसे मत करना। आप मुझे बोलते ना कि आप बस में हो तो मैं पापा को बोलता, वो आपके बचा लेते। मम्मा आपने मुझे क्यों नहीं बोला? मम्मा आपको पता है जब आप मुझे नहीं मिली तो मैं कितना सारा रोया था। अब आज के बाद प्लीज ऐसा मत करना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मामा आई लव यू। ये माँ बेटे का प्यार देखकर तू मेरी आंखें भर आई। विनु बाड़ा अभी तो क्यों रो रहा है? तेरी मम्मा तो वापस आ गई है, देख बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अब नहीं रोना। हाँ ऐसे रोते रहोगे तो मम्मा परेशान हो जाएगी। आप मम्मा को परेशान करना चाहते हो? फिर रोना मत। डर गया था आजी, अगर मम्मा को कुछ हो जाता तो। ऐसे कैसे कुछ हो जाता? तेरी मम्मा शेरनी है, शेरनी, उसे कुछ नहीं हो सकता था। और अगर जरूरत पड़ती ना तो मैं ऊपर वाले से लड़ जाती, लेकिन मेरी बहू को कुछ नहीं होने देती। देखा मत रहने का, देखा इस हादसे से एक बात साफ हो गई। तुम्हें चाहने वाले, तुमसे प्यार करने वाले, तुम्हारी परवाह करने वाले इस घर में कम नहीं है। तुम्हारा हाल देख के हम सब बेहाल हो गए थे। बड़े तो बड़े बच्चे भी, उनका भी रो रो के हाल बेहाल हो गया था बेटा। अपनी सभी विनायक दोनों ही भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तुम्हारी जिंदगी के लिए। बेटा विराट सही, दोनों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी तुम्हारी जान बचाने के लिए। तुम्हारा हाल देख के हम लोग सब टूट गए थे।
तुम बेहोश हो गई थी, हम नहीं देख पा रहे थे। आंखें तुमने खुली और बस उजाला हम सबकी जिंदगी में आ गया। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूं। जिंदगी से पेचीदा कोई कथा कहानी स्टोरी नहीं हो सकती, वरना किसने सोचा था कि एक स्वतन दूसरी स्वतन की जान बचा। अरे नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। देवा रे देवा, मुझे तो लगता है कभी कभी ना मुझे मुंह ही नहीं खोलना चाहिए। जब जानती है तो अपना मुंह क्यों खोलती है? ये चाहती है कि मैं तेरा मुंह बंद करूं। बहनी, सोनाली की बात करने का तरीका भले ही गलत हो लेकिन वो बात तो सही कह रही है। सच तो यही है ना कि सही ने पत्र लिखा की जान बचाई, वो भी एक बार नहीं दो बार बचाई। अब कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आती है तो क्या करे, लेकिन सच तो यही है ना। और ये सच हमें मानना ही होगा कि सही ने अपनी जान पे खेल कर पत्रलेखा की जान बचाई है। लेकिन पत्रलेखा आज जिस हालत में है उसके जिम्मेदार भी तो वही है ना। पर विराट उसे बचाने में नहीं उलझा रहता और पत्रलेखा की तरफ ध्यान देता तो आज इस बेचारे की ये हालत नहीं होती। इस घर में हर चीज अतरंगी होती है, पति ने तो ध्यान ही नहीं दिया पर सौतन ने दो दो बार जान बचाई। अगर आदमी से कुछ अच्छा नहीं बोला जा सकता ना तो बुरा तो नहीं ही बोलना चाहिए। अपनी कड़वी बातों से दूसरों की जिंदगी में कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए। बाकी को भी आराम की जरूरत है इसलिए प्लीज उसे थोड़ी देर आराम करने दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ ठीक है ना। तो आदी, अभी आपने ये क्या किया? बाड़ा, मैंने ना पापा से प्रार्थना की थी कि मेरी बच्ची और मेरी बच्ची के बच्ची दोनों सही सलामत घर लौट के वापस आ जाए। पापा हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। मैं पति नहीं हूँ, मैं आपकी पति की मासी आई हूँ। समझ ला माझी आई। आप खुश? बिल्कुल अपने आई पे गई है। मैं अपनी आई पे ही नहीं गई हूँ, मैं अपने पापा पे भी गई हूँ। इंस्पेक्टर हूँ या नहीं हूँ ये देखो। हाँ बाड़ा, तो बिल्कुल अपने बाबा पर भी गई है। सभी चलो अंदर चलो, मुंह हाथ धो लो। मैंने ना तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। चल। ये मैं कैमरा में से सारी फोटो डाउनलोड कर लेती हूँ। जा जाओ अंदर। सही, मुझे माफ कर दे भाड़ा। जी आप क्यों माफी मांग रही है? तू ठीक थी सही, मुझे ना तेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं अक्सर तुझे कहती रहती सभी को विराट जी से मिलने से मत रोक। तुझ पर हमेशा दबाव डाला मैंने। सभी का सारा सच विराट जी को बता दे, लेकिन तुझे शुरू से ही पता था
कि आगे जाके इसका अंजाम क्या होने वाला है। मैं ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तो ये सोच के घबरा रही हूँ कि अभी से तुम दोनों की जिंदगी में मुसीबत का तूफान आने लगा है। अरे आगे जाके अब क्या होने वाला है। सही, अब से मैं कभी कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बोलूंगी जो तुझे सही ना लगे। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। आप ठीक कह रही हो, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मैं वहां नहीं जाती तो शायद इतना गलत नहीं होता। तुमसे कहूं तो क्या कहूंगा, वो शब्द ही नहीं बने जो मेरे अंदर की तकलीफ को बयां कर सके। प्लीज मेरा यकीन करो बाकी, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम बस में हो। मुझे लगा तुम सबके साथ बस से नीचे उतर चुकी हो, लेकिन तुम भगवान ना करे कभी ऐसा फिर से हो, लेकिन अगर हुआ तो ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप भी मम्मी का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? देखा बाकी, वीनू और मैं, हम दोनों तुमसे वादा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर चौहान, दोनों डॉक्टर ने डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दिए हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मेरे बच्चों को अगर किसी की बुरी नजर लग गई हो तो वो निकल जाए। इसके आगे मेरे बच्चों पर जो कोई मुसीबत आने वाली हो वो भी मुसीबत निकल जाए। तु 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 तु। वीनू, बेटा अब तो आपकी मम्मा आ गई ना, प्लीज कुछ खा लो। हाँ पत्रलेखा, बेचारा कब से भूखा है। भूखा है मतलब? मीनू बेटा, आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? हाँ? और ये नंगे पैर क्यों घूम रहे हो तुम? मम्मा, मैंने ये आपसे ही सीखा है कि जब मेरी तबीयत खराब रहती थी तब आप मेरे लिए कितने उपवास रखती थी, अब हमेशा नंगे पैर रहती थी। और आज मैंने बाबा को बोल दिया है कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं शूज चप्पल नहीं पहनूंगी। विनू, आपको मम्मा के लिए उपवास रखने की, नंगे पैर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस हमेशा खुश रहो, मेरे लिए वही काफी है। चलो बाकी,
थोड़ा रेस्ट कर लो। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.